की कंडीशन जो है मानी भाई ने 0 मीटर रखी हुई है और आयाज भी आते के साथ। आयाज भी आपने क्या रिएक्शन दिया था? मैंने देखे नहीं ऐसे लाख गुल्ला तो मेरी गाड़ी है, मुझे पता होता आपने लिया था। मैं टाइम गलत है, मैं भी टाइम की वीडियो बना रहा था, मानी भाई ने क्या टाइम गलत है। वैसे आज सन्नाटा बहुत हो रहा है, इलेक्शन थे बेटा। हाँ इलेक्शन भी तो थे और हॉलीडे संडे, तो लोग घर पे एंजॉय कर रहे हैं और हम बाहर एंजॉय कर रहे हैं। इसमें कहाँ जा रहे हैं अभी? हम मानी बोला बड़े क्लॉक चलते हैं और मैं कह अल मदीना चलते हैं। अब देखिए कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं है, ये कंपलसरी हो गया यहाँ से, कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के जितने दोस्त हैं हमारे, उनकी दुआओं से हम जितनी फेवरेट प्लेसेस वहाँ पे तक घूम चुके थे, उसकी हमें आइडिया नहीं होता कहाँ जाना, डिसाइड ही नहीं कर पाते कि जाना कहाँ है क्या खाना है। अपनी मर्जी से बस चल पड़ते हैं, जब दिल करता है जहाँ दिल करता है अपनी गाड़ी, जहाँ पर मूड होता है वहाँ पर अपनी गाड़ी के लिए। अब अभी हमने कुछ सोचा, बस ये पता है हमें जाना है, कहाँ जाना है कहाँ स्टॉप करना है ये नहीं पता। अब जहाँ स्टॉप करेंगे वहाँ भी देखिएगा और हम भी देखेंगे। वैसे मानी भाई जो है ना एक्सपर्ट है घूमने के मामले में, मानी भाई ने आइडिया दिया कि बर्गर क्लॉक चलते हैं बैरिया टाउन और सिविक सेंटर की मछली और अलमदीना रेस्टोरेंट। मानी भाई ने राशिद बंगाली की जो है फिश का मना कर दिया, कह रहे हैं गटर के ऊपर बिठाते हैं। मानी भाई ऐसे ही है, सबसे बड़ा इशू मानी भाई ने ये कहा है कि वहाँ पर पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है, तो ये भी देखा जाता है। बाकी कोई जगह नहीं है, मजबूत नहीं होती है, मछली खाए बंदा मजबूत होगा। किमाड़ी में मजबूत जो है कंपलसरी है, और जैसा कि वहाँ पर है डुप्लीकेट राशिद बहुत सारे बैठे हुए हैं, तो आपको कंफर्म करना बहुत मुश्किल है कि ओरिजिनल जो राशिद है वो है कौन बेसिकली, जिसका टेस्ट बहुत मशहूर है राशिद के नाम से। तो ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है एक तरीके से पॉइंट आउट करना। ये है कि सर्दियाँ तो अभी इतनी ज़्यादा आई नहीं है, तो जब सर्दियाँ ज़्यादा आएंगी तो फिर राशिद बंगाली की तरफ रुजू करेंगे। अभी जो है देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। स्टैंड पर अभी सारे इंटरनेशनल ब्रांड है, यहाँ पर रुक जाए क्या? ये देखें सारे इंटरनेशनल ब्रांड आ गए, दूर जाने से बेहतर है कि यहीं पे रुक जाते हैं। मेरा कहना है ये घर पे खा लूंगा दाल रोटी, पर यहाँ पे नहीं खाऊंगा। लेके आ जाता है बंदा खाने के लिए, लेके आया था उस टाइम पे हमारे को भूख लग रही थी, पॉइंट मजार के बाद खबर है चार चार वो भी ओपीटीपी बेकार। वजह ये थी कि भूख आराम साथ था, वजह ये थी भाई साथ था, साथ कार में ले लेना कम होगा। अफसोस तो इस चीज का, इस बच्चे को भी नहीं लेके आया, इसको भी छोड़ दिया भाई। हम लोग मुझे नहीं आए थे ना। अच्छा आप भी मुझे नहीं थे साथ, सिंटू आए थे ना साथ। अच्छा अच्छा हाईवे का सफर कैसा लगता है आपको? हाईवे का सफर बहुत बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं कहता हूँ गाड़ी चलने को गाड़ी रुक गया ना, चलते रहे हैं फ्यूल डलते रहेगा बार बार, जाओ नहीं। वारी भाई की वीडियो में टूट करके लगाऊंगा, टूट करके लगाना वाला चैनल आपका इंशाल्लाह ब्लॉग होगा, बहुत चैनल बहुत चलेगा आपको, ये भी चलेगा। मैंने पाकिस्तान टूर जाने पे आज को क्या होता है, जेब पे थोड़ा भारी पड़ता है, वो गाड़ी चलती रहती है ना, पेट्रोल लगता था बार बार। अच्छा आज को ये तकलीफ होती है, गाड़ी चले पेट्रोल न डाले, पेट्रोल न डाले बात नहीं है, ऐसी कुछ छोटी मोटी बात आपको पता है। आज का खाना एसबी की तरफ से बलोचिस्तान वाला याद आ गया, इसमें मलाई और वो खाई थी, वॉशरूम खाए थे शेरी भाई, देसी वॉशरूम होते इस तरह से बेटे शाही ऊपर सारे तैर रहे थे। माहौल बिल्कुल खराब कर दिया गया, आपका जीना हराम कर दो। किसकी तरफ से मानी भाई? ये दो बंदे या तो मानी या फिर शेरी है। आयाज भाई कभी भी ऐसा ना बंदा गाड़ी साइड पे रोक के साइड पे हो जाता है। कैसा लगा मेरा मजाक? तो वकार है या तो आयाज भाई है? अल्लाह मानी भाई गाड़ी साइड में लगा लेते ना आप, अल्लाह माफ करे। जिस स्पीड से बस पूरा मार मार के खाली कर दिया गया, खत्म जीरो। अलग ही दुनिया यार यहाँ की तो है भाई, दुनिया अलग है, बहुत अच्छा माहौल है। आप देखो यहाँ पे आते फील हो रहा है कि जैसे कराची में है ही नहीं। बेटा गर्मी में आओ बस, कराची में या गांव के अंदर यार देखो गर्मी हो या सर्दी, आप यहाँ का एनवायरनमेंट देख सकते हो, लाइटिंग देख सकते हो, रोड देख सकते हो, कितने अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ है। उसके बाद आप बिजली के बिल देखो, गैस के बिल देखना, मेंटेनेंस चार्जेस, गार्ड के चार्जेस, फिर आप खुद ही भागोगे। हम इंटरेस्ट पे आ गए गेट पे, I
will run, I will climb, I will soar. गेट है ना इसका, भेजिए तो भेजिए, गेट इतना अच्छा है ना, काबिल तारीफ। अच्छा, बहुत ही आला। और रोड 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 तो क्या अच्छा है, रोड आपको डिफेंस में अच्छे मिल जाएगा, दूसरी जगह पे मिल जाएगा, पर जो इंटरेस्ट गेट है ना वो बहुत अच्छा है। हाँ सर, यहाँ के टावर देखिए आप, तो भाई सारा ब्लैक पैसा यहाँ लगा तो अच्छा ही बनेगा ना। ब्लैक व्हाइट की बात नहीं करो, जो भी है एनवायरमेंट अच्छा बनाएगा। आप यूरोप बन जाए। अच्छा, घूमने के लिए तो खैर हम आज भी नहीं आए, आज अचानक से प्रोग्राम बना के बेरिया टाउन चलते हैं खाना खाने के लिए। खाना खाने के लिए प्लॉट भी विजिट करना था, उसको देखना थोड़ा सा, प्लॉट अगर सेटिंग बनती तो फिर हम लोग वकार भाई एज इन्वेस्टर भी अपनी कुछ चीजों को लुक आफ्टर करता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम आपको सरप्राइज देंगे और बताएंगे बहुत जल्द। डेस्टिनेशन पे आ गए से क्या करोगे आप? मेरा कहना ये कि अभी फिलहाल मोटी है, सब मोटी लगी तो कार में बैठ के वेट करो, खा के अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो जो सन्नाटा है ना यहाँ पे, मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा यहाँ जाने का, कितना अंधा ही घटिया होगा। क्यों भाई? ब्रांड है बर्गर के लोग, बर्गर के लोग को कह रहे घटिया होगा। मानी भाई इसके लिए मत लेना, जर्मन शेपर्ड्स। मानी भाई और अयाज भाई की लड़ाइयाँ, सारी चीजें तो बेहतर नहीं, कुत्ते यहाँ पे। अयाज भाई और वकार ऑर्डर देते हुए सोचते हो गए, क्या क्या ऑर्डर दिया? मैंने एक डेट को अपना आप हैं, वो तो पता ही नहीं है अयाज भाई को क्या ऑर्डर दिया है। घंटे बाद, एक घंटे तक के सोच रहे थे आप? पर हमने जो ऑर्डर दिया है आ जाएगा, फिर आप देखिएगा, एक चिकन कंचूस और एक डिटू। भूल गए शाही, आपने क्या दिया? हम तो साथ ही आए, तो दोनों लॉस में रह गए। क्यों नहीं आपने तरह फिर नहीं, दोनों आएंगे ना। प्राइस जो है जो के वो में लेने लिए बात अलग बैठ जाएंगे, मेरा तक इधर आना, देखते हैं क्या होता है। कार्ड किसका यूज हुआ है? अयाज भाई का कार्ड यूज हुआ है? अकाउंट बनवा के किसने दिया था? आपने दिया था ना? जाए मुझे वो मेरे घर के अंदर अलमारी में रख दिया था, उसमें मैं रोज टी शर्ट निकालता हूँ, पहनता हूँ, 12 साल हो गए पर टी शर्टें खत्म नहीं होती। कंट्रोल बाहर जो मच्छर है ना वो तो आप देख सकते हैं, और अयाज भाई जो है ना बाहर खाना खाने का बोल देता है, तो मच्छर देखे आपने शीशे में? मच्छर अंदर आने के बाद देखिए, बाहर अगर खा तो साथ में मच्छर भी आ रहे होते हैं, वो मच्छर का रखते पता है ना। अलहमदुल्ला मानी भाई, हमने ऑर्डर दिया, हम खुद खाएंगे। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चल चलो कार में चलते हैं, प्राइस लेके कार में चलते हैं और उसके बाद खाएंगे। मच्छर देखे आप, खतरनाक मच्छर है, और आयाज भाई कह रहे थे सुकून इतना है बाहर बैठ के खाते हैं, अगर बाहर खाते तो ऐसे ही आपकी तबीयत खराब हो जानी थी। बाहर खेल नहीं हो रहा कि बाहर इतने मच्छर होंगे, फ्रिज बंद हो रहा है काफी। ये बॉय वकार सोचते हुए कि फ्राइज मैंने ऑर्डर क्यों नहीं की। मैंने फ्राइज तो हमारी आने वाली है और खाते हैं, और आयाज भी लोग देखेंगे क्योंकि इनका ऑर्डर जो है वो लेट आएगा, इस तरह से देखेंगे। बिल्कुल चाय भी देखेंगे, खिलाने वाले अल्लाह अल्लाह पाक खिला तो रहा है बर्गर। अगर हमारे तो लगा हम निकलेंगे, लेकिन आपको मिलेगा, आप लोग खिला दोगे? नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी जरूरत नहीं है, खिलाते नहीं है, ऐसा तो लगती नहीं किसी ने। पैसे ले लो ना, खाने के बाद पैसे नहीं देंगे तो उतार के ले लूंगा, तो 20 है साहब चलता है। अजय पैसे मानी भाई के हमारे 1600 रुपए आप दोनों के, 1300 रुपए मानी भाई, टोटल 1600 रुपए। बस डन है, डन है, कार से मेरी गाड़ी चलती, दोधा कर दे, बस सही से। जैसे बड़े बंदे हर किसी को अल्लाह पाक के।
सिग्नल नहीं आ रहे, वाह भाई वाह। पहले ट्रांसफर की बात करी, खाने के पैसे देने चाहिए, खाना खाने से खाने के पैसे। पिज़्ज़ा फ्राइज जो है हमारी आ चुकी है और ये आएगी, जो आगे छोड़ दो टूट गर्म हो ऐसे नहीं करो यार, नहीं करो नहीं करो नहीं करो नहीं करो, उठा लो नीचे रख लो, उठा बस नीचे उठी बस बस। हमारे भाई क्या कहना चाहेंगे अभी जो इन्होंने पिज़्ज़ा फ्राइज के साथ किया हमारे, कर ली ना टेस्ट नहीं नहीं बस पिज़्ज़ा फ्राइज हमारी है बेहतरीन किस्म की। देखें आप मानी भाई, मान गया आपको बेहतरीन चीज़ ऑर्डर दिया आपने, खाते हैं फिर मैं दूंगा। ये देखें हालत हमारी आ रही है, इन लोगों को खानी नहीं थी फ्राइज, हाल देखो क्या किया मानी भाई। सुन्नत भाई आप भी मंगा लिया करें कभी कभी, सुन्नत दादा आप भी कर दिया करें। माफ करें, भरपूर किस्म के खाया है दोनों ने मानी भाई, आज भी कह रहे मैंने खाया ही नहीं है। रिस्क आपके सामने आ जाए ना तो आपको खाने दे उसकी कदर करो, तो रिस्क ऑर्डर भी करना चाहिए भाई, क्यों ऑर्डर नहीं करना चाहिए। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। ऑर्डर नहीं करना चाहिए, सिर्फ खाना चाहिए भाई। हमारे 672 रुपए हम वो देंगे, 672 नहीं टोटल डिवाइड होगा। जो लग रहा है कहाँ पर बैठे हो, ऐसा लगता है ऑस्ट्रेलिया में किसी स्ट्रीट पे बैठे हैं। ये कोर फ्राइज है वो हमारी है, दिखाओ आप दिखाओ उसको, आपको हमारी रेट में दाम पे किनारे मार लिए दोस्तों हमारे साथ। खाने के बाद अल्लाह पाक कहते हैं कि शुक्र अदा करो मेरा, इस तरह ना शुक्री नियाज भाई अभी वही शुक्र अदा कर ले यार, शुक्र अदा तो अल्लाह करेंगे ना, आप लोगों को थोड़ी करके अल्लाह ने खिलाया, आपने थोड़ी खिलाया, शुक्र अदा कर। वसीला तो अल्लाह ताला ने हमें बनाया ना, अभी वसीला किसको बनाया आज भाई, ज़्यादा तकलीफ हो रही है। कितनी चीज सुन ली हमारी भाई, बर्गर्स जो हैं आ चुके हैं, अयाज भाई ने पोजीशन पकड़ी है। वो ये साके तो जो देते हैं ना ये बहुत बुरे लगते हैं। अच्छा एक बॉर्डर पे इसे इडली डालते क्या, हाँ हाँ डाले कैसे क्या, आप जैसा बंदा पूरा ही फिर यही खाएगा, उसके अलावा कुछ खाएगा ही नहीं। मानी भाई ने पोजीशन बढ़ ली, मिलते हैं खाना खाने के बाद। मछली खाने चलते हैं, मछली मजा नहीं आया। हाँ जी जब आए थे बर्गर के लोग खुला हुआ था, बंद है, क्या कहना चाहोगे? समझ नहीं आ रही कि 12 बजे बंद क्यों, इतनी अच्छी जगह पे रात में कभी किसी का मूड हो खाने का तो फिर क्या वजह क्या है। वो लोग ऑनर हुई यहाँ के बिल्डिंग का, चमाटे भी कराऊंगा, करा दे करा दे। है मानी भाई आज कर सकता है, मैं तो कुछ नहीं बोला, मैं ड्राइवर बनता हूँ। क्या बोलेगा, मैं तो साथ ही नहीं हूँ उनके। नहीं बर्गर लोग मेरा तो है साथ, कार मैनेजर है, मैं बिल्डिंग का ऑनर हूँ। ऑनर हूँ मानी, समझ रहे हो, समझ रहे हो, चलो आज मैं फुल छोड़ जाए दरवाजा ही नहीं खोला मानी भाई। कीले सिंटी ना की जरा काम नहीं करी इस वजह से, तो खोल तो ये बताए मानी भाई क्या हुआ, खोल ले भाई ऑनर हो ना, कीले सिंटी एंड सीन हो गया। मदीना जाना है क्या? नहीं मदीना आज भाई शाही जो कह रहा है ना, शाही कह रहा है यार मुझे मजा नहीं आया, मेरा पेट फुल नहीं हुआ बर्गर में। नहीं गलत गलत बात क्या है, है? तो इतना बड़ा पेट है, पेट के बाद इतना सा बढ़ गया। आपका भी नहीं भरा होगा, भर गया पूरा है, मगर मछली खा रहा था। मछली का क्या करना है, मूड है, खा लेते यार मूड तो है। अब आए तो मछली भी खा लेते मानी भाई, अब पेट फुले मेरा मेरा भी जो बचा हुआ बर्गर था ना वो भी वकार भाई और अयाज भाई ने खाया, आप लोगों ने देखा होगा। रास्ता कौन बताए, कहाँ चलना है ये तो बता दे। हेड ऑफिस जा रहा है अंदर, हेड ऑफिस का कुछ काम था, फाइलें लेनी फाइलें लेनी है, फाइलें ली हुई है, यहाँ से लेते हैं, यहाँ से लेफ्ट लेना, सीधा ले ले सीधा। और आज भी रास्ता गाइड करना चाहिए, अल्लाह ही हाफिज़ है। कहाँ पहुँचाएंगे आज भाई ये हमें भी नहीं मालूम, कहाँ पहुँचाएंगे मुझे लग रहा है आज भी वापस ला के हमें मेन पॉइंट पर खड़ा कर देंगे बजाय एग्जिट करने कराने के। मानी भाई बुरे हुए रास्ता है मानी भाई, रहने दे बेटा यार, आप अक्सर तो आ रहे होते हैं यहाँ पे फाइल्स लेने के लिए, आप भी रास्ता भूल गए।
एंड आई विल क्लाइम आई विल कौन खाएगा आज की नस्ले खाएंगे नस्ले ये शख्स देखे उतर ही नहीं रहे सर्दी लग रही है माने भाई कार्रवाई करके आप बैठे हो आप अंदर अल्लाह हाफिज बैरियर डाउन मछली खिला रहे हो क्या फिर शाही का दिल चाह रहा है बैरियर डाउन के रोड और दूसरे कराची के रोड दोनों सेम तो हैं दोनों बराबर एक जैसे तो हैं क्यों यार सन्नाटा है स्ट्रीट लाइट कुछ भी नहीं है ना सिक्योरिटी और वहाँ पे इतना अच्छा एनवायरमेंट था कि बस क्या होता है आपको यहाँ पे आप देखो ना लाइटिंग है यहाँ पे रात में लोगों को ओए होए अल्लाह अकबर वहाँ पूरे भरे में आपको एक घंटा दिखा आपको नहीं तो फिर बस यही तो बात है यार टोल टैक्स दे रहे हम रोड पे जा रहे हैं हाईवे पे आ रहे हैं लाखों गाड़ियाँ गुजरती हैं अरबों रुपए का बिजनेस हो रहा है पर हालत आपके सामने बिल्कुल ऐसा ही है शायद आप क्या कहना चाहेंगे ऐसा लग रहा है जो कराची और टैक्स देते हैं सारा बैरियर डाउन में लग रहा है जो बैरियर डाउन की कंडीशन है ना वो यही कंडीशन है जो कराची और टैक्स पे कर रहा है वो सारा बैरियर डाउन में लग रहा है पूरा कराची एक तरफ और बैरियर डाउन एक तरफ है आला मेंटेनेंस बेहतरीन एनवायरमेंट जबरदस्त कार्ड किसने दिया भाई एस बी आपने दे दिया कार्ड कार्ड और कौन दे रहा है और ब्रदर के मैसेज मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा जी चल अभी कर दे शेयर तो और सिग्नल भी आ गया मक्का आज भी कर दूंगा सिग्नल आ गया आज आपको ट्रांसफर करने मानी करते मुझे कर भाई ऐसा कोई ताल्लुक नहीं मेरा मेरी खुदसी मेरा नगद दे ए बॉय पार्किंग को लुक आफ्टर करते हैं आज भी पार्ट टाइम पार्किंग खोलते हैं और बंद करते हैं वेलकम टू पार्किंग है हमारे भाई पार्किंग पे रखा हुआ है इसको पार्किंग की जगह तो बेहतरीन है पीछे क्या है यार ये जगह ली यहाँ पे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन फ्यूचर अपार्टमेंट बनाएंगे यहाँ पे और माने ये जो भूत बंगले वाला घर कह रहा है इसका मान ले सोचा मिल जाए ना भूत बंगले सारे भूत गायब हो जाएंगे भूत क्या सब वीआईपी कर देंगे 0 मीटर है ना भूत चुड़ैल